दो चरों का रैखिक समीकरण अध्याय दो। दो चरों का रैखिक समीकरण का प्रयोग व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। गणित में चर और अचर क्या होता है सबको पता है। चर मतलब जिसका मान बदल सकता है और अचर मतलब जिसका मान कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हम दो चरों के रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे और यहाँ पर दो चीज़ें जो है आपकी अज्ञात रहेंगी और रैखिक समीकरण के द्वारा हम उस दो चीज़ों को उस दो अज्ञात उसको ज्ञात करेंगे कि क्या है वो। जैसे एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगी मैं, रमेश और नरेश दो भाई और उनके पास टोटल जो रुपए हैं वो कितने रुपए हैं, 50 रुपए हैं। मान लेते हैं कि रमेश के पास जो रुपए हैं आपके क्या है एक्स है और नरेश के पास क्या है वाई। तो यहाँ पर जब हम दो चरों के रैखिक समीकरण का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं उन चरों को मानने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ माना एक्स जो है रमेश के पास रुपए हैं और वाई जो है नरेश के पास रुपए हैं। टोटल अब दोनों का टोटल कितना हो गया आपका 50। तो ये एक समीकरण बन रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो इसी को हम बोलते हैं दो चरों का रैखिक समीकरण। इसको दो चरों का रैखिक समीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसे ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। कोई भी दो चरों के रैखिक समीकरण को जब भी आप ड्रॉ करोगे तो आपको एक रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। और इसमें जो होता है चरों की घात हमेशा क्या होती है, एक होती है। चरों की घात क्या होती है, एक होती है। तो इस तरीके से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया, लेकिन हमको इससे पता नहीं चल पा रहा है कि उनके पास कितने रुपए हैं। तो हमको एक और रैखिक समीकरण की आवश्यकता होगी। एक और अगर हमको एक कोई भी कंडीशन दी जाएगी तब हम उसके द्वारा एक और रैखिक समीकरण बनाएंगे और दो रैखिक समीकरण की सहायता से हम इसको हम हल कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास अगर एक और कंडीशन दे दी गई है कि नरेश के पास जो रुपए हैं वो रमेश के पास जो रुपए हैं उसके 4 गुने हैं। तो मान रमेश के पास एक्स है तो नरेश के पास 4 गुने रुपए मतलब कितने हो गए, 4x। तो यहाँ पर y के स्थान पर आप उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर y के स्थान पर 4x रख दिए और उसको हल कर सकते हैं और एक और समीकरण भी बना सकते हैं। हमको ये पता चल रहा है कि y इज इक्वल टू क्या मिल गया आपका, 4x। तो y माइनस 4x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0। तो ये एक रैखिक समीकरण बन गया। एक पहले से रैखिक समीकरण था और एक और रैखिक समीकरण बन गया। इन दोनों को हल करके हम एक्स और वाई का पता लगा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग विधियाँ हैं आपकी, ग्राफी विधियाँ हैं और प्रतिस्थापन विधियाँ हैं, विलोपन विधि है। तो इस तरीके से हम दो समीकरण जो भी पहले प्राप्त करेंगे और उसके बाद किसी भी विधि के द्वारा हल करके अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसको तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है। तो यहाँ पर y के स्थान पर मैंने रख दिया 4x, इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। अब ये हो गया आपका 5x इज इक्वल टू 50, एक्स इज इक्वल टू 50 बाय 5 मतलब ये हो गया आपका 10। x जो रुपीज़ हो गए आपके 10 हो गए। अब इसके बाद जब x 10 है, यहाँ पर हम x के स्थान पर 10 रख देते हैं तो जो y की वैल्यू मिल जाती है वो मिल जाएगी आपको 50 में से 10 गया तो कितना हो गया आपका, 40। तो रमेश के पास अगर 10 रुपये है तो नरेश के पास 40 रुपये है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर किसकी सहायता ली, ये दोनों समीकरण बन गए, इनको भी हम अलग अलग विधियों से हल करके उस एक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है दो चरों के रैखिक समीकरण का अनुप्रयोग। सबसे पहले है दो चरों के रैखिक समीकरण के हल के लिए ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि के लिए हमारे पास दो समीकरण दिए हैं, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमको इसको ग्राफी विधि के द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले तो हमको x और y की 2-3 यहाँ पर वैल्यू लेनी पड़ेगी और उसके बाद ग्राफी विधि मतलब आपको दोनों रैखिक समीकरण के लिए एक एक रेखा को ड्रॉ करना पड़ेगा, उसका ग्राफी निरूपण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम x की वैल्यू, कोई भी एक x की वैल्यू रखते हैं, जैसे यहाँ पर हम 2y इज इक्वल टू 7 माइनस x, तो y इज इक्वल टू हो गया 7 माइनस x डिवाइड बाय 2। तो एक हमको इसको थोड़ा सा चेंज कर लिए ताकि हम जैसे जैसे x की वैल्यू रखते जाएंगे हमको y की वैल्यू मिलते जाएगी।
अब ऐसे टेबल बना लेंगे इस समीकरण के लिए x और y का। तो यहाँ पर x की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पर 1 रखती हूँ, यहाँ पे रफ कार्य कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 1 रखती हूँ तो ये हो जाएगा आपका 6/2, मतलब कितना हो जाएगा आपका 3। तो जैसे ही 1 रखती हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। तो इसमें दो तीन वैल्यू हम प्राप्त कर लेते हैं, दोनों के लिए अलग अलग हल ज्ञात कर लेते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर 2 रखूँगी तो ये कितना हो जाएगा आपका 7-2, 5/2। तो ये वैल्यू को हम नहीं लेंगे, अगला पहुंच जाते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 3 रखती हूँ तो ये हो जाएगा 7-3/2, मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पर 3 रखा तो 7-, सब रफ कार्य हमारा, तो y इज इक्वल टू हो गया आपका 7-2 रखा तो 5/2 हो गया। और जैसे ही मैंने यहाँ पर 7-3 रखती हूँ तो ये हो जाएगा आपका 4/2 इज इक्वल टू 2। तो कई बार तो ऐसे ऐसे ही आप रख सकते हो, हल कर सकते हो मन में, 3 रखे 4/2 मतलब कितना हो गया 2। उसके बाद सीधा हम एक वैल्यू रखते हैं, 5 रख के देखती हूँ, 7 में से 5 गया कितना हो गया 2, 2/2 कितना हो गया आपका 1। तो इस तरीके से हो गया, अब इसकी वैल्यू मिल गई। अब इसको ड्रॉ करते हैं, किसको ड्रॉ करते हैं, इस समीकरण को यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या एक रेखा ही प्राप्त होगी और कहाँ प्राप्त होगी, इसको देख लेते हैं। जैसे ये 1 है, x की वैल्यू यहाँ पर 1 और 3 लेते हैं, है ना, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 लेते हैं। तो ये 1 है और ये 3 है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको ग्राफ पेपर में अच्छे से बनेगा। तो ये हो गया आपका 1-3, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1-3, ठीक है। उसके बाद साइड में लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1-3। उसके बाद 3-2, आप यहाँ पे 3 लिए और ये 2, ऐसे थोड़ा सा मिला के देख सकते हैं कि कहाँ ये जा रहा है, और वो वहीं पे मिल जाएगा आपको, ये हो गया आपका 3-2। उसके बाद कौन सी वैल्यू है, 5-1, 5 है और 1 है आपका, तो यहाँ पर 5, ये आपका 1 और ये 5, तो ये कितना हो गया 5-1। अब इसको आप मिला देंगे, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। अब हम यहाँ पर 3x + y = 6 के लिए टेबल बनाएंगे। इसको सिंपल लिख सकते हैं, y = पक्षांतर करके 3x। तो इस तरीके से अब जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू लेते जाएंगे और हमको एक टेबल प्राप्त होते जाएगा x की वैल्यू लेते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर 1 रखती हूँ तो 3-1 कितना हो जाएगा 3, और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3। तो जैसे मैं यहाँ 1 लेती हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3। अब मैं यहाँ पर 2 लेती हूँ, जैसे मैं रफ में बता देती हूँ आप लोग को, 6-3/2। जैसे मैं इसको लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, x के स्थान पर 2 रख दे रही हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6-6, यह कितना हो गया आपका 0। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 ली तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 0। फिर अगला मैं यहाँ पर y = 6-x के स्थान पर 3 लेती हूँ तो y की वैल्यू जो मिल रही है आपको 6-9, मतलब -3, कितनी मिल रही है, -3। तो अब इसको भी ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ पर। पहली वैल्यू है आपकी 1-3, तो ये वही है, वही मिल रहा है 1-3, यही 1-3 आपको मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद 2-0, तो 2-0 के लिए मैं x अक्ष पर 2 में जाऊँगी और y अक्ष के लिए जो है आपका 0 यहीं पर मिल रहा है आपको, तो ये आपका 2-0 हो गया, ठीक है। और 3-3 लेंगे मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 और y के इसमें मैं -3 में, y अक्ष ये है, y अक्ष की ओर मैं -3 की ओर जाऊँगी यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा तकरीबन मेरे को 3-3, सो 3-3 ले लेंगे। मतलब x की वैल्यू को आपको x अक्ष पर लेना है और y की वैल्यू को y अक्ष पर लेते हुए मिला देना है और देखेंगे कि बिंदु कहाँ मिल रहा है। जैसे जैसे प्रश्न हल करेंगे और स्पष्ट हो जाएगा और आराम से मैं इसको बताऊंगी।
और पहला जो रेखा का जो समीकरण था, मैंने आप इसको ड्रॉ कर लिया है, और पहला जो समीकरण था आपका वो इस रेखा के लिए है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, और ये जो है आपका दूसरे समीकरण के लिए है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दोनों समीकरणों के लिए एक एक रेखा ड्रॉ हो गई यहाँ पर, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस समीकरण के बहुत सारे हल हो सकते हैं x और y के रूप में, इस समीकरण के भी बहुत सारे हल हो सकते हैं, लेकिन दोनों समीकरणों का जो कंबाइन हल है वो यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है कि 1 और 3 दोनों का हल है। यहाँ टेबल से ही समझ में आ रहा था, उसमें ड्रॉ किए तो यहाँ पर पता चल जा रहा है कि यहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ग्राफी विधि से हम पता लगा सकते हैं कि रेखा का समीकरण क्या है। जैसे यहाँ पर कोई भी दो रेखा, कोई भी समीकरण को हम ड्रॉ करते हैं और दो रेखाएं प्राप्त होती हैं और किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसका उन दोनों समीकरण का, उस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, एक अकेला हल है आपका। और अगर रेखा इस तरीके से भी ड्रॉ हो सकती हैं कि कहीं ना मिले, समांतर रहती है, ये तो प्रतिच्छेदी रेखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा में अद्वितीय हल होता है। और जब समांतर रेखाएं होंगी तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि दोनों के कोई भी कंबाइंड हल आपको नहीं मिल रहे, कॉमन हल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि तो उस समीकरण निकाय का, उन दोनों समीकरणों का एक साथ कोई भी हल नहीं है। और अगर रेखा इस तरीके से प्राप्त होती है, संपाती प्राप्त हो जाती है, एक के ऊपर एक प्राप्त हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेखाओं का जो है, दोनों समीकरणों के बहुत सारे हल हैं, अनंत हल है, अनेक हल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेखा के निरूपण के द्वारा भी पता लगा सकते हैं कि उसका हल किस तरीके से है, ठीक है।